नमस्ते, मैं निखिल तिवारी डिवाइन म्यूजिक स्कूल से। आज का टॉपिक है स्पीड क्यों नहीं आ रही। स्पीड नहीं आ रही है इसलिए बहुत लोग परेशान भी होते हैं। स्पीड कब तक आ जाएगी, स्पीड के लिए क्या करना पड़ेगा, ये बहुत सारे सवाल हैं जो इंटरमीडिएट लर्नर भी के भी सवाल रहते हैं, बिगनर के तो रहते ही हैं। स्पीड कैसे आएगी, स्पीड कब लानी चाहिए, ज़रूरी भी है नहीं स्पीड। देखिए, स्पीड एक तो बड़ा मिथ है, मैं आपको बताता हूँ स्पीड के बारे में। स्पीड ऑलरेडी आपके हाथ में होती है। स्पीड आप बिना फूंक के बजाओ कितना तेज कर पाओ, फूंक मारोगे क्योंकि अभी आप जो स्पीड आपकी है वो इन यहाँ सेट नहीं हुई, यहाँ इन होलों में सेट नहीं। वैसे तो स्पीड हमारे हाथ उंगली को वैसे ही बनाया भगवान ने, स्पीड है हमारी उंगलियों में। आप कुछ भी चीज़ को खाली क्या कहते हैं, आप सिर्फ उसको इमिटेट करो या गिटार को भी प्ले करने इमिटेट करो, स्पीड तो है ना। पर हमें इस डिसिप्लिन में स्पीड लानी है। तो स्पीड यहाँ से रिलेटेड है। एक होती है मसल मेमोरी जो बार बार आप करके कर लेते हैं, एक होता है जो यहाँ से आप बोलते हैं और यहाँ पर रिफ्लेक्ट होती है। अगर वो नहीं आप कर रहे हैं, और अमूमन वो लोग नहीं करते हैं, कोई बहुत कम लोग वो करते हैं, बोल बोल के बजाते नहीं हैं, तो स्पीड आना बहुत मुश्किल है क्योंकि यहाँ पर क्लियर नहीं है। अब आपको एक एक्सरसाइज दे रहा हूँ, आप उसको बजाएं, स्पीड बढ़ेगी। पर मन में नहीं बोलेंगे तो स्पीड नहीं बढ़ेगी। बोलना कैसे है, सारेगा मा रेगा मापा गामा पा गामा पाधा मापाधा मापाधा नी सा नी धा पनी धा पा नी धा पा मधा पा मधा पा मागा पा मागा पा मगा रे मा गा रे मा गा रे सा। इसको बोलना है, यहाँ पर दिमाग में बोलते रहना है, यहाँ बजाना है पहले कम स्पीड में। स्पीड बढ़ाइए मन की, स्पीड बढ़ने का यही है कि आप मन में उसको पढ़ें। और क्लासिकल म्यूजिक में चाहिए थोड़ा झाला, जब बजाएंगे तो हमें स्पीड चाहिए, तान बजाएंगे। वैसे हमारे जो बॉलीवुड म्यूजिक होता है उसमें कोई इतनी ज़्यादा स्पीड नहीं है, बीच में कुछ ट्वीस्ट आ जाते हैं वो चीज़ में स्पीड आ जाती है। पर गाने अमूमन मीडियम या थोड़ा स्लो, बहुत तेज़ फास्ट कम ही गाने बजते हैं। तो स्पीड का फंडा है, स्पीड ऑलरेडी आपके उंगलियों में है, पर आपको वो बोल बोल के मन और फिंगर्स को अलाइन करना है, ये मैं बार बार कहता हूँ। और स्पीड आती है कम से कम आफ्टर 9th month प्रैक्टिस अच्छी करने के बाद, तब स्पीड में जाइए जब आपके नोट्स क्लियर हो जाए। नोट्स क्लियर नहीं होगी स्पीड जाएंगे तो ये आएगा। फिर उस स्पीड में क्लैरिटी आना जरूरी है कि सारेगा मा पूरा सुनाई दे, सारेगा मा ऐसा नहीं होना चाहिए, वो क्लैरिटी और स्पीड जरूरी है। इससे कोई मतलब नहीं आएगा, इससे क्लैरिटी जब आएगी, जब अब वो क्लैरिटी कब है, जब आपके माइंड में क्लियर है। जो हम अलंकार कर रहे हैं, जो पलटा कर रहे हैं, माइंड में क्लियर होगा तो यहाँ क्लियर आएगा। उसके माइंड में आपकी स्पीड बढ़ी, सारेगा मा रेगा मा पा गामा पा ऐसे करके आपको मन में तैयार करना है। बजाते बजाते अलग से नहीं रखना है, अलग से एक घंटा इसको नहीं देना है। आप बजा रहे हैं स्लो करें, जब आपके ध्यान में तो उसकी स्पीड बढ़ाएं, यहाँ से स्पीड बढ़ेगी, यहाँ अपना बढ़ जाएगी क्योंकि आपके हाथ यहाँ सेट हो जाएंगे फिंगर्स। और ये आपको मेन बात है, आपके फिंगर्स में पहले से स्पीड है तो घबराइए मत, ढंग से प्रैक्टिस कीजिए। स्पीड आने में कोई बड़ी बात नहीं है। 6 महीने तक अगर आप 3-4 एक्सरसाइज प्रैक्टिस कर लें, सरगम पा टू पा में स्पीड ले आई, जो मैंने आज बताई आपको सारेगा मा, इनको अगर प्रैक्टिस कर लें आधा घंटा, पहले आप 1 गुण में करें, फिर 2 गुण में, फिर 3 गुण में, फिर 4 गुण में, ऐसे करके करो तो स्पीड बढ़ेगी। तबले का सहारा बाद में लो, पहले क्लियरिटी ऑफ नोट लाओ। स्पीड के साथ क्लियरिटी इंपॉर्टेंट है, अगर वो क्लियरिटी नहीं आएगी तो मज़ा भी नहीं आएगा। तो ये ढंग के अप्रोच से आप करोगे तो ज़रूर फ़ायदा होगा। और बाकी आगे भी वीडियो बनाते रहेंगे, आप लोग इसे लाइक कीजिए, और इसमें बेल आइकन भी होता है उसको भी आप दबा लीजिए, जिससे कुछ भी वीडियोज़ आएँ आपको अपडेट मिलता रहे। आशा करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।